अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू विल फाइंड। टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्लास हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM, कि HCF हमारे पास क्या होता है एंड LCM हमारे पास क्या होता है। क्लास ये आप लोग अपना 4-5 क्लास में भी पढ़ कर आए हैं, तो आप लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। HCF यानी कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM आपके पास होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है आप लोगों के पास, आप लोगों ने वो लेकर चलना है। तो क्लास पेज नंबर 44 पे आप लोगों के पास फर्स्ट डेफिनेशन है, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस। फैक्टराइजेशन जो है एक प्रोसेस होता है बाय विच अ होल नंबर दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, होल नंबर के दरमियान में जो कि आप लोगों के पास प्राइम नंबर नहीं होता, इट ब्रोकन डाउन इनटू इट्स फैक्टर, जिसको हम लोग ब्रेक करते हैं यानी कि तोड़ते हैं इनटू फैक्टर्स में, फैक्टर्स में, यानी कि हम लोगों फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस होता है कि हम लोग होल नंबर को ब्रेक कर देते हैं या ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं फैक्टर्स में, यानी कि एक से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टराइजेशन में क्लास हमारे पास आ जाता है, देखिए क्लास यहाँ हमारे पास है कंपोजिट फैक्टराइजेशन है, तो सिंस 3 × 5 है तो हमारे पास 15 हो जाएगा, 3 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15। तो ये इस तरह के जितने भी फैक्टर्स होंगे क्लास, ये सब फैक्टर्स क्या कहलाएंगे, हमारे पास होल नंबर्स होंगे जिनको हम लोग डिवाइड कर देंगे या ब्रेक कर देंगे दो चीज़ों में, तो वो हमारे पास कहलाएंगे फैक्टराइजेशन। तो क्लास फिर हम लोगों को बताते हैं कि हमारे पास कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ, हम लोग बताते हैं कि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास प्राइम नंबर आ जाते हैं, यानी कि 2, 3 and 5 आर प्राइम फैक्टर्स। तो क्लास हमारे पास प्राइम नंबर्स को हम लोग ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास प्राइम फैक्टर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज नॉन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्लास वहाँ ये वो कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू इट्स प्राइम, यानी कि उसके नंबर का जो प्रोडक्ट होगा इट्स प्राइम फैक्टर होगा, और वही जो होगा वही फैक्टराइजेशन कहलाएगा। तो क्लास देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर आर लिस्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। 35 = 5 × 7। अब 5 और 7 का जो है ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो 35 है, तो ये फैक्टराइजेशन के थ्रू आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट और आ रहा है, यानी कि एक एलिमेंट और आ रहा है, तो वो आपके पास प्राइम फैक्टर कहलाएगा। तो 2, 3, 7 प्राइम फैक्टर है, आपके पास 2, 3, 5, 7 भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइम फैक्टर ही कहलाएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इनके जो प्राइम फैक्टर्स के हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास फैक्टराइजेशन में जाएगा, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो क्लास हम लोग अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4A पे, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अब वो कह रहा है कि आप लोग फाइंड करें प्राइम फैक्टराइजेशन को, प्राइम फैक्टर्स को आप लोग फाइंड करें। आपको नीचे डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से होगा। तो क्लास आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 है 360। तो अब आप लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो वो आप लोग किस तरह से करेंगे। क्लास 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 0 वैसे आ जाएगा आपके पास। 2 × 9 = 18, 0, 2 × 4 = 8 and 2 × 5 = 10। ओके, अब आपके पास देखिए 45 आ गया, 45 तो आपके पास 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 3 पे करेंगे। 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 एंड 5 × 1 = 5। तो क्लास ये आप लोगों की फैक्टराइजेशन होगी, तो इसको आप लोग यूँ लिख लेंगे 2, 2, 2, यानी कि 1, 2, 2, 3 × 2 आ रहा था, फिर 2 × 2 आ रहा था एंड 1 × 5 आ रहा था। तो क्लास ये आपके पास कहला रही थी, ये आपके पास हो गई प्राइम फैक्टर्स। ये प्राइम फैक्टर्स में हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया आप लोगों के इस क्वेश्चंस को। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास 663, 5184 एंड 27830। तो क्लास देखें आप लोग कि 663 3 से पहले डिवाइड हो रहा है, फिर 13 से, फिर 17 से, 3, 13 and 17 आपके पास प्राइम फैक्टर हैं। उसके बाद 5184 जो है इसको हम लोगों ने डिवाइड किया पहले 2 पे, फिर ये 3 पे हुआ, तो 2 और 3 जो है आप लोगों के पास प्राइम फैक्टर्स हैं।
नेक्स्ट है आप लोग पास 27830, तो पहले से 2 पे किया, फिर 5 पे, फिर 11, 11 एंड 23. तो 2, 5, 11, 11 एंड 30 जो हैं ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के. तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरह से सॉल्व होगा. इसको सिंपल हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने लेके जाना है, और जिस जिस नंबर से ये लोग डिवाइड हो रहे होंगे हम लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है, और बस कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि हमारे पास जो नंबर है वो प्राइम होना चाहिए. ओके क्लास. तो क्लास हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ नंबर आर को प्राइम्स. अब क्लास हम लोगों ने यहाँ बताना है कि हमारे पास को प्राइम नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि यहाँ पे हमें अब 6 एंड 8 दिया हुआ, 30 एंड 64, 21 एंड 24, 9 एंड 16, 13 एंड 30 एंड 37. तो क्लास इसके हम लोगों ने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और इनमें से हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा होगा. 6 ले लेते हैं एंड 8 ले लेते हैं. क्लास 6 को देख लें, 6 2 पे जा रहा है, 8 भी 2 पे जा रहा है हमारे पास. 2 3 द 6, 3 1 द 3, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2. तो क्लास देखें, 2 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया फैक्टर ऑफ 6, 6 एंड फैक्टर ऑफ 8 हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. तो क्लास अब उन्होंने हमें कहा है कि हम लोगों ने कॉमन फैक्टर ले लेना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है. तो 2 कॉमन है, 1 भी हम लोग लिखते हैं क्योंकि 1 हमारे पास वेल डिफाइंड होता है, तो 1 भी हमारे पास कॉमन है. तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर फैक्टर ऑफ 6 एंड 8 इज 1 मल्टीप्लाई 2. जो ये दो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं 6 एंड 8 के. क्लास उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 13 एंड 64 सेम एज इट इज़. आप लोगों ने पहले फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद उसके आपके पास जो भी फैक्टर्स के नंबर्स आ रहे होंगे आप लोगों ने वो लिखने हैं और बता देना है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है. 13 का हमारे पास आया 1 मल्टीप्लाई 13, 64 का आया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. तो अब 13 और 2 2 का हमारे पास कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, क्लास 1 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 21 एंड 24 फैक्टर्स ऑफ 21 हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 24 का हमारे पास फैक्टर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. आप लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लेनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स का क्या है. हमारे पास एक ये है 1 हो गया और ये 3 हो गया, 1 और 3 जो है हमारे पास कॉमन फैक्टर है. तो क्लास ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि किसी भी चीज़ का अगर फैक्टर हमारे पास मैचअप नहीं हो रहा तो 1 इसका कॉमन फैक्टर लाजमी होगा, क्योंकि 1 हमारे पास सब में आ रहा होता है. 9 एंड 16 है सेम एज इट इज़, जैसे हम लोगों ने पहले किया है वैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 1 1 कॉमन हो जाएगा, 9 हमारे पास 3 पे जा रहा है, 16 तक के हमारे पास 2 पे जा रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है. तो 30 एंड 37 फैक्टर ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड फैक्टर ऑफ 37 1 मल्टीप्लाई 37, क्योंकि 37 जो है और किसी पर डिवाइड नहीं होता. तो इसमें अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्लास कौन सा आ जाएगा, 1. तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 to raise power 2 मल्टीप्लाई 3 टू रेज पावर 2, फिर है 2 टू रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 5 3 टू रेज पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 5. तो क्लास आप लोगों ने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे. तो क्लास देखिए, आप लोगों के पास इसमें से ज़्यादा बार कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ज़्यादा बार आपके पास 1 टाइम 2 आ रहा है, 2 टाइम 2 आ रहा है, और 2 टाइम ही आपके पास 5 आ रहा है, जबकि आपके पास 1 2 3 जो है आपके पास ज़्यादा टाइम आ रहा है. तो आपके पास जो ज़्यादा टाइम चीज़ आ रही होती है वो आपके पास कॉमन फैक्टर में खिलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खिलाती है. तो अब 3 का आपके पास स्केयर है हर जगह पे, तो आप लोग क्या करेंगे, 3 का स्केयर ले लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा. तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर आपका फाइंड आउट हो जाएगा. क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास सेम एज इट इज़ क्वेश्चन यही है, सिर्फ डिजिट आपके पास चेंज हो गए हैं. 2 मल्टीप्लाई 3 टू रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 5 टू रेज पावर 2, 2 टू रेज पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. तो क्लास आप लोगों के पास क्या आ रहा है कि 5 आप लोगों के पास
कॉमन आ रहा है, लेकिन 5 की पावर आपके पास कॉमन नहीं है, तो 5 जो है आप लोगों के पास इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। आप लोगों ने क्लास एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स को यूज करते हुए आप लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे कि क्लास क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 किया था, उसमें हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स बताए थे। इसमें अब उन्होंने हमसे कॉमन फैक्टर तो नहीं पूछे, लेकिन हम लोग बताना चाहते तो हम लोग बता भी सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका हम लोग। 36 है आप लोगों के पास एंड 84 है, तो हम लोग 36 लिख लेंगे और यहाँ पे 84 लिख लेंगे। 2 ones the 2, 2 8 the 16, 2 9 the 18, 3 3 the 9, 3 ones the 3। तो क्लास ये आप लोगों के पास हो गया 36 का फैक्टराइजेशन। अब 84 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 2 the 4, 2 ones the 2। अब 21 जो है वो तो क्लास हमारे पास 2 पे नहीं जाता, तो हम लोग 3 लिखेंगे। 3 7 the 21, एंड फिर अब 7 3 पे तो नहीं जाता, डेफिनेटली 7 7 पे ही जाएगा, 7 ones the 7। तो क्लास ये हमारे पास हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। तो अब हम लोगों ने क्लास क्या करना है कि फैक्टर ऑफ 36 क्या है हमारे पास, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, एंड फैक्टर ऑफ 84 क्या है हमारे पास, 84 क्या है हमारे पास, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7। तो क्लास अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2 and 3, और ये वाला 2 भी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्लास हम लोग लिखेंगे 2 multiply 3 multiply 2, 3 to the 6, 6 to the 12। तो कॉमन फैक्टर से जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, 12 आया। तो क्लास बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे सेम एज इट इज़ ऐसे ही हैं कि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है और कॉमन निकाल कर हम लोगों ने कॉमन बताना है कि हमारे पास कॉमन क्या क्या है। तो क्लास जैसे कि अब हम लोगों ने देखी क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 16 and 96, 60 का हम लोगों ने फैक्टर किया, 96 का फैक्टराइजेशन किया और कॉमन फैक्टर हम लोगों ने बता दिया। तो क्लास अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 पार्ट है, अब वो देखिए वो थोड़ा सा हमारे पास चेंज है कि हम लोग शुरू से जो कर रहे थे, पहले हम लोग सिर्फ 2 2 अपने नंबर्स ले रहे थे और उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा क्या है, चेंजिंग आ गई है ये कि हम लोग अब प्राइम फैक्टर तो ले रहे हैं लेकिन हम लोगों ने नंबर्स क्या हैं 3 कर दिए हैं। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है क्लास, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने 2 के एलसीएम लिए थे, वैसे ही हम लोग 3 के ले लेंगे। ओके क्लास, 2 2 और 2, 2 ones the 2, 2 8 the 16, 2 9 the 18, 3 3 the 9, 3 ones the 3। ऐसे ही 2 2 the 4, 2 7 the 14, 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 ones the 3, 2 5 the 10, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 7 the 14, 3 9 the 27, 3 3 the 9, and 3 ones the 3। तो क्लास 36 का फैक्टर, 54 के फैक्टर्स एंड 108 के फैक्टर्स हम लोगों ने राइट डाउन कर लेने हैं। 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3। तो क्लास अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, लास्ट वाला 3, ये वाला 3 एंड ये वाला 2। तो क्लास हम लोग लिख सकते हैं कि 36, 54 और 108 के कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास। तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 the 9, 9 2 the 18, 18। तो क्लास हमारे पास कॉमन फैक्टर का जो आंसर आएगा
वो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो क्लास बाकी सब ऐसे ही हैं 3-3 डिजिट्स वाले, तो वो हम लोग नोट से कर लेते हैं कि वो हम लोगों ने किस तरह से करनी है। तो क्लास देखें 27, 36 एंड 45। 27 का LCM ले लिया हम लोगों ने, फिर 36 का ले लिया, फिर 45 का ले लिया, फैक्टर ऑफ 27, फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 45। अब कॉमन फैक्टर हम लोगों ने सेपरेट कर लिए, इसमें भी 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो हम लोग 3 को पिकआउट कर लेंगे एंड 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 9। और HCF हो जाएगा हाइस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो हमारे पास 9 हो जाएगा, जबकि हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है 3 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 84, 132 एंड 156। तो क्लास 84 को 2 पे किया, फिर 132 को 2 पे किया एंड 156 को 2 पे किया। तो क्लास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो क्लास यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2, 3 सिर्फ कॉमन आ रहा है, तो 2, 3 दा 6 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, बाकी जो नीचे वाले जो हैं वो हमारे पास चेंज हो रही हैं। तो 3 टू द 6, 6 टू द 12, तो इसका भी आंसर क्या है आपके पास 12 आ जाएगा क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट का भी हमारे पास सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, 125 है, 475 है एंड 650 है। तो फैक्टर ऑफ 125 को हम लोगों ने 5 पे डिवाइड किया, 5 टू द 10 एंड 5 फाइव द 25, 5 फाइव द 25 एंड 5 वंस द 5। इसी तरह से 475 को किला क्लास हम लोगों ने 5 9 द 45 एंड 5 फाइव द 25, फिर 5 वंस द 5 एंड 5 9 द 45, 19 वंस द 19। तो ये 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 5 1 द, फिर हमारे पास ये क्लास 1 पे और 2 पर ही होगा, 2 1 द 2, 2 6 द 12 एंड 5 एज इट इज हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। फिर हम लोग 5 पे करेंगे, उसके बाद 13 से करेंगे हम लोग। फैक्टर्स लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 125, फैक्टर्स ऑफ 475, फैक्टर्स ऑफ 650। तो क्लास तो हम लोगों ने सबके फैक्टर्स लिख लेने हैं और कॉमन फैक्टर्स को हम लोगों ने पिकआउट कर लेना है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। तो HCF हमारे पास क्या होगा, जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा 25। तो इसी का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्लास हमारे पास 102, 595 एंड 375। तो हम लोगों ने इसके LCM ले लेने हैं दो तीनों का, फैक्टर ऑफ 102, फैक्टर ऑफ 595, फैक्टर ऑफ 357। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्लास क्या आ जाएंगे, 17 इज अ कॉमन फैक्टर, बिकॉज बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों के पास सेम नहीं हो रहे तीनों में, और HCF ही आपके पास हो जाएगा 17। तो क्लास अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड। अब हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। क्लास पहले तो हम लोग LCM ले रहे थे और अपने फैक्टर को फैक्टराइजेशन करके हम लोग आंसर निकाल रहे थे। अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने डिवाइड करना है, और डिवाइड करने से आप लोगों के पास जो आंसर आएगा आप लोगों ने HCF, उसके थ्रू आप लोगों ने HCF बताना है। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 300, क्वेश्चन नंबर 1 है 300 एंड 3996। तो क्लास हम लोग हमेशा डिवीजन में ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास बड़ा होता है हम लोग उसको अंदर लेते हैं और छोटे वाले को बाहर लेते हैं। तो 3996 300 हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो हम लोग 1 से करेंगे, तो 996। तो क्लास अब 3 को 3 से करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो 996। तो क्लास 96 छोटा है जबकि 300 जो है वो बड़ा है, तो 300 हमारे पास अंदर चला जाएगा और 96 हमारे पास बाहर रह जाएगा। तो 96 को जब हम लोग 3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 288। तो अब हम लोग माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब क्लास 12 छोटा है जबकि 96 बड़ा है, तो 12 बाहर रह जाएगा, 96 अंदर चला जाएगा। 12 8 द 96, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
क्रॉस हो जाएगा। तो क्लास हमारे पास जो एंड में हमारे पास ये आ रहा होता है, यानी कि जो एंड वाला लेटर होता है, जैसे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइजर होता है जो हमारे पास, वही हमारे पास क्या होता है, एच सी एफ होता है। तो इसका एच सी एफ क्लास आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्लास इसी से रिलेटेड बाकी हमारे पास क्वेश्चन हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। बट हमारे पास दो क्वेश्चन सेम हैं, तो मैं फर्स्ट टू नहीं करवाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, जबकि फोर क्वेश्चन में हमारे पास फोर एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो क्लास हम लोग उनको करके देख लेते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से होंगे। तो क्लास आप लोगों के पास देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है 399, 665 एंड 1463। तो क्लास पहले हम लोग पहले इन दोनों से कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके साथ कर लेंगे। तो 399 हमारे पास छोटा है, जबकि 665 जो है हमारे पास बड़ा है। तो हम लोग क्लास पहले 665 को अंदर रखेंगे और 399 को बाहर रखेंगे। तो इससे हम लोग 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 266। तो क्लास 266 छोटा है, 399 बड़ा है। 399 हमारे पास अंदर चला जाएगा और 266 बाहर आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास 1 से होगा, अगर 2 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 133 आ जाएगा, तो डेफिनेटली 133 छोटा है और 266 बड़ा है, 266 अंदर चला जाएगा हमारे पास। 133 को हम लोग जब 2 से करेंगे तो क्लास 266 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास पहले दो का आंसर, हमारे पास पहले दो का जो है एच सी एफ हमारे पास 133 आ गया। जब इसका एच सी एफ आया ना क्लास हमारे पास, उसको हम लोग थर्ड वन के साथ कर लेंगे। यानी कि थर्ड वन क्या है हमारे पास, 1463 है, और हमारे पास एच सी एफ क्या था प्रीवियस का, एच सी एफ 133 था। तो अब इसको हम लोग कर लेंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास आ गया 133। तो हमारे पास आ जाता है नीचे 133, क्योंकि ये 3 वैसे 6 3 गए 3, 4 में से 3 गए 1, और ये 1 1 से 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो 133 को हम लोग 1 से करेंगे तो 133 आ जाएगा। तो क्लास ये हमारे पास ऐसे ही डिवाइड हो गया। तो अब आप देखिए तीनों का जो एच सी एफ आया है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है, वो सेम आया है, और क्या आया है, 133। तो ये क्लास मेथड था हमारे पास तीन को सॉल्व करने का, कि पहले हम दो को कर लेंगे, उस दो को करने के बाद जो दो का एच सी एफ आएगा उसको हम लोग थर्ड वन से कर लेंगे और आप लोगों के पास आप लोगों का एच सी एफ आ जाएगा। बट इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि दोनों का जो एच सी एफ है वो सेम आएगा। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 427, 1159, 1281 एंड 3416। तो क्लास अब आप लोगों के पास ये चार में आ रहा है, पहले हम लोगों ने दो वाला किया, फिर तीन वाला किया, अब ये आ रहा है चार वाला। तो चार वाला किस तरह से होगा हमारे पास, तो आगे पास है पहला 427 एंड 1159 अंदर है, क्योंकि 27 बाहर जाएगा, 27 to the 854, 3 0 5 आ जाएगा, और 427 हमारे पास बड़ा है, तो 427 अंदर, 305 बाहर, तो 305 1 the 305, तो माइनस करोगे तो 122 और 305 अंदर चला जाएगा। 122 दो और 2 का करेंगे तो 244, तो 61 आ जाएगा, 61 और 122 अंदर चला जाएगा, 61 छोटा है वो बाहर रह जाएगा। 61 को जब हम 2 से करेंगे तो 122 आ जाएगा, और फर्स्ट 2 का जो आपके पास एच सी एफ आएगा वो 61 रहेगा। तो इस 61 को आप लोग अपने थर्ड वाले से करोगे, यानी कि 1281 से। तो 61 1281 61 to the 122, इसमें से 61 आ गया, तो 61 1 the 61, तो इसका भी आपके पास क्या आ गया, एच सी एफ आ गया 61। तो इसका भी 61 आ गया, तो इसके एलसीएम को एचसीएफ को आप लोग फोर्थ वन से करेंगे, यानी कि 3416 3416 61 5 the 305, तो 366 बच जाएगा हमारे पास, 61 61 5 the 366। तो क्लास 366 आप लोगों के पास आप लोगों का एचसीएफ आ गया। तो तीनों के एचसीएफ क्या है आप लोगों के पास, सेम है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो लिहाजा आप लोग कह सकते हैं कि जो आपका एच सी एफ है वो आपका 61 है तीनों क्वेश्चंस का। तो क्लास अब आप देखिए आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2300 एंड 3500 लिविंग 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर।
तो क्लास आप लोगों के पास उन लोगों ने दो नंबर्स दिए हुए हैं और साथ में लिविंग रिमाइंडर्स भी दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे कि पहले 23 को माइनस कर देंगे 32 से एंड 3500 को माइनस कर दोगे 56 से, जो उसका आंसर आएगा उसके बाद आप लोगों ने उसका एच सी एफ फाइंड आउट कर लेना है और आपको ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। 2300 माइनस 32 किया तो 2268 आ गया आप लोगों के पास। क्लास 3500 में से माइनस 56 किया तो आप लोगों के पास आ गया 3444। तो क्लास 3444 आपके पास बड़ा है जबकि 2268 जो है आपके पास छोटा है, तो आप लोग 2268 को बाहर और 3444 को अंदर रख देंगे। तो 1 से करेंगे तो 2268, जब माइनस करेंगे तो 1176 आता है। 1176 छोटा है जबकि 2268 बड़ा है, 2268 अंदर चला जाएगा और हम लोग 1176 से डिवाइड करेंगे तो 1161 को करेंगे तो 1176 ही आ जाएगा, जबकि हम लोग 2 से करते हैं तो वो हमारे पास ग्रेटर हो जाती है वैल्यू। 1176 में से 2268 को माइनस करेंगे तो 1092 आएगा, 1092 हमारे पास छोटा है बनिस्बत 1176 के, तो 1176 हमारे पास अंदर चला जाएगा और 1098 हमारे पास बाहर आ जाएगा क्लास। तो अब 1098 को 92 को हम लोग 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1092 आ जाएगा, तो 100 पे माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा, 84 छोटा है तो 1092 जो है हमारे पास बड़ा है। तो 1092 को हम लोग अंदर रख लेंगे और 84 हमारे पास वैसे ही बाहर है, तो 84 वंस द 84 आ जाएगा हमारे पास, तो हम लोग माइनस करेंगे तो 252 आ जाएगा, तो 84 सीधा 252 और हमारे पास जीरो बचेगा। तो हमारे पास यहाँ हम लोग बता देंगे कि जो हमारे पास लास्ट वाला डिवाइजर है तो वो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हम लोग बता सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 84। तो क्लास सब में हम लोगों ने डिवाइड करना है या फैक्टराइजेशन करनी है, तो आप लोगों ने ये काम पहले भी किया हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टू मच ईजी एक्सरसाइज है आप लोगों की। तो क्लास हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवर रूम इज 12 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 91 सेंटीमीटर बोर्ड। द फ्लोर ऑफ द रूम इज अभी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। क्लास आप लोगों को उन्होंने लेंथ भी दी हुई है और विड्थ भी दी हुई है आप लोगों को, आप लोगों ने लार्जेस्ट टाइल की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि आप लोगों ने अपने रूम में यूज़ किया, तो वो आप लोग किस तरह से करोगे। क्लास लेंथ ऑफ रूम ले लेंगे आप लोग 12 मीटर 15 सेंटीमीटर। क्लास हमारे पास जो मीटर होता है वो 100 के इक्वल होता है, तो पहले हम लोग यूं करेंगे कि 12 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो 1200 में हम प्लस कर देंगे 15 तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1215 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास लेंथ हो गई। इसी तरह से हम लोगों ने विड्थ पहले फाइंड आउट कर लेंगे, विड्थ ऑफ रूम क्या है हमारे पास 8 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर मल्टीप्लाई 10 100 सेंटीमीटर तो इज इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर। तो 800 सेंटीमीटर में हम लोग 91 सेंटीमीटर जब हम लोग ऐड करेंगे तो 891 सेंटीमीटर जो है हमारे पास विड्थ हो जाएगी रूम की। तो क्लास हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लेनी है 891 की और 1215 की, तो 3 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे तो फैक्टर्स ऑफ 891 एंड फैक्टर्स ऑफ 1215। तो क्लास अब हमारे पास कॉमन कितने आ रहे हैं, 4 3 जो है हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, बाकी जो हैं वो कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स हम लोग लिख लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 जो है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो एच सी एफ ऑफ 81 आपके पास जो है, आपके पास जो हम लोगों ने लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द टाइल फाइंड करनी थी वो आपके पास क्लास क्या है 81 है। तो क्लास अब आप लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड टू नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद एच सी एफ 24। तो क्लास वो कह रहा है कि एच सी एफ 24 जो है उसके बिटवीन 100 एंड 150 को यूज़ करते हुए आप लोगों ने अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्लास देखिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 100 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 256 25 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, 25 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास आ जाता है 4.166। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो क्लास
आप लोगों के पास जो विद HCF 24 था पहले उसे आप लोगों ने डिवाइड किया, जो उसका आंसर आया यानी कि ये जो आंसर आया 5 राउंड ऑफ करने से उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया 24 के साथ, तो 24 मल्टीप्लाई 5 तो इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 120। तो क्लास नेक्स्ट था हमारे पास 150 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल्स टू 25/4 को डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाता है हमारे पास। तो हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं तो हम 6 ही इसको ज्यूम कर लेते हैं, तो पहले हमने 24 से डिवाइड किया, जो अब इसका आंसर आया उससे हम 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 आ जाएगा हमारे पास। तो हेयर क्लास 120 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 100 एंड 150 एंड 144 इज द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 100 एंड 150। तो क्लास हम लोगों ने यही फाइंड करना था, फाइंड टू नंबर बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24। हम लोगों ने एक ग्रेटेस्ट नंबर लेना था और एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था, तो क्लास हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो क्लास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4A आप लोगों का होमवर्क है, कंप्लीट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप लोग नोट्स से भी देख के समझ सकते हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। सिंपल है, फैक्टराइजेशन है एंड डिवीजन है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़ क्लास, स्टे होम स्टे सेफ़।